वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 12th. वी आर डूइंग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ दैट. तो इन द लास्ट लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ डायोड्स पूरे कंप्लीट कर दिए थे. ये लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अनदर कंपोनेंट विच कैन बी मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर, दैट इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT जिसको बोलते हैं. इसको वी ऑल्सो कॉल इट एज अ ट्रांजिस्टर. सो हाउ अ ट्रांजिस्टर इज फैब्रिकेटेड. ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो डायोड में हमने क्या देखा, डायोड में हमारे पास सिर्फ दो रीजन्स होते हैं, पी और एन. बट इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे पास एक और एक रीजन हो जाता है, तो या तो PNP हो सकता है या फिर वो NPN भी हो सकता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, तीन रीजन्स को कंबाइन करके ये जो हमको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिस्टर, या हम बोलेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो इसके अंदर तीन हम ये देखते हैं इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर. वी हैव टू जंक्शंस, हमारे पास दो जंक्शंस होंगे और तीन टर्मिनल्स होंगे. ओके, तो जंक्शन यानी क्या होगा, सपोज अगर हम ये NPN देखते हैं, तो ये NPN है हमारे पास. ओके, सो दिस इज़ वन जंक्शन, ये और एक जंक्शन है. ओके, और यहाँ पर एक टर्मिनल बाहर निकला हुआ रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा. तो दो जंक्शन है हमारे पास, ये दो जंक्शन है और तीन टर्मिनल हमारे पास रहेंगे. तो हाउ डू वी मेकअप अ ट्रांजिस्टर. सो ट्रांजिस्टर में क्या होगा, आइदर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इन बिटवीन टू एन टाइप, या फिर एन टाइप इज बिटवीन टू पी टाइप्स. तो या तो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर रहेगा या PNP रहेगा. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों की वजह से होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या सिर्फ होल्स की वजह से नहीं होता. इसलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिपोलर नहीं है. ये बाइपोलर इसलिए है कि द फ्लो ऑफ करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. अब ये ट्रांजिस्टर को हम सोच सकते हैं कि दिस ट्रांजिस्टर, फोर्थ पॉइंट, ट्रांजिस्टर कैन बी थॉट ऑफ वी कैन इट इज इक्विवेलेंट टू टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक. यानी कैसा है कि अगर हमारे पास एक डायोड है, ये हमने डायोड कनेक्ट कर दिया, ये एक डायोड हमारे पास, सॉरी, ये एक डायोड हमारे पास है, ठीक है, एंड दिस इज अनदर डायोड. तो एज वी नो इन केस ऑफ दिस, ये डायोड के अंदर ये एन है, ये पी, ये दोनों पी मिला के एक पी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा. तो जैसे NPN है, सेम वे हम PNP भी कर सकते हैं. तो इट इज इक्विवेलेंट. ऑफकोर्स हम दो डायोड को कनेक्ट करके ऐसा है, वी के नॉट कंस्ट्रक्ट ट्रांजिस्टर, बिकॉज उसकी तरह फैब्रिकेशन अलग रहता है. देन देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जैसे हमने अभी देखा, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP. दिस इज द सिम्बॉल, ये इसका सिम्बॉल है. दिस इन केस वी सी दिस पर्टिकुलर NPN, NPN क्या देखते हैं, दिस इज द सिम्बॉल फॉर NPN. तो जैसे हमने देखा यहाँ पे तीन टर्मिनल्स रहेंगे, तो एक हो जाएगा कलेक्टर, दूसरा हो जाएगा बेस, तीसरा हो जाएगा एमिटर. जैसे अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास है, जैसे सपोज NPN, ठीक है, तो उसमें एक जो बीच में रहेगा द सेंटर वन, इट इज़ द बेस, ये एमिटर और ये कलेक्टर, ठीक है. तो बेस इज़ एट द सेंटर. तो चाहे NPN हो चाहे PNP हो, उसमें तीन जो रीजन्स रहते हैं, उसको एक को हम बोलेंगे एमिटर, दूसरे को बेस, तीसरे को कलेक्टर. नाउ ये सिंबल है हमारे पास, दिस इज द सिंबल. ये सिंबल में एरो हमें मिलता है, तो एरो इज ऑल बिकॉज हमारे पास कलेक्टर और एमिटर दोनों रहेंगे, तो दोनों एंड पर है, तो कौन सा एंड एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है, तो दिस एरो, ये एरो बताता है कि एरो हमेशा एमिटर की तरफ रहेगा. इफ द एरो इज गोइंग आउट, जैसे ये एरो बाहर निकल रहा है, ये एरो बाहर निकल रहा है, ठीक है, इट शोज द फ्लो ऑफ करंट. तो ये जो करंट बताता है हम लोगों को, तो ये फ्लो ऑफ करंट बताएगा. सो दिस इज एक्चुअली एमिटर की तरफ रहेगा, और ये आउटपुट, ये एरो इज गोइंग आउट, इट मींस इट इज अ NPN सेमीकंडक्टर, NPN ट्रांजिस्टर. एंड इफ द एरो इज गोइंग इन, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये अंदर जा रहा है एरो, तो दिस इज अ PNP ट्रांजिस्टर. तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर है, NPN एंड PNP. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर. तो एज वी नो इसमें तीन रीजन्स हैं हमारे पास, एक तो एमिटर है, बेस एंड कलेक्टर. तो इसे फैब्रिकेट करने के लिए ये है कि एमिटर जो है, इट शुड बी हैवीली डोप्ड. डोपिंग का मतलब एडिंग इम्प्योरिटी, तो एमिटर में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी, तो उसको हैवीली डोपिंग रहेगा.
और उसकी साइज़ जो रहेगी मॉडरेट रहेगी, ठीक है, मीडियम साइज़ रहेगी। दूसरा है बेस, तो बेस की जो डोपिंग सबसे कम रहेगी, लाइटली डोप रहेगा और सबसे छोटी साइज़ रहेगी इसकी। कलेक्टर जो है ये मॉडरेटली डोप रहेगा, ठीक है, इसकी डोपिंग जो है मॉडरेट रहेगी, ठीक है, बेस से ज़्यादा और एमिटर से कम, मगर साइज़ सबसे बड़ी रहेगी कलेक्टर की। सो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स कि भाई एमिटर जो है वो हैवीली डोप होना चाहिए, बेस लाइटली डोप होना चाहिए, कलेक्टर मॉडरेटली डोप होना चाहिए, और सबसे बड़ी साइज़ जो रहेगी कलेक्टर की रहेगी, और सबसे छोटा जो है बेस रहेगा, और मॉडरेट साइज़ जो है एमिटर का रहेगा। सो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांजिस्टर। देन एज वी नो हमारे पास दो जंक्शंस होते हैं ट्रांजिस्टर में, देर आर टू जंक्शंस, वन इज एमिटर बेस जंक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेर इज़ द एमिटर बेस जंक्शन, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये बाउंड्री जो है ये एमिटर बेस की बाउंड्री, तो ये दिस इज द जंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज एमिटर बेस जंक्शन। दूसरा जंक्शन हमें यहाँ मिलता है, इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। नाउ फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है, फॉर द प्रॉपर ट्रांजिस्टर एक्शन, एमिटर बेस को हमेशा हमें फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा और कलेक्टर बेस को हमेशा रिवर्स बायस में रखना पड़ेगा, तब जाके ये एक्शन हमें सही मिलेगा। ओके तो जैसे सपोज एक सिंपल एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर, सपोज ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास है, ठीक है, और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो ये एमिटर बेस को हमें फॉरवर्ड बायस करना है। इसका मतलब ये है कि एन शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। देन ये पॉइंट को हमें रिवर्स करना है, ठीक है, इसको रिवर्स बायस करना है, तो ये पी इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये केस में देखते हैं, दिस पार्ट दिस इज रिवर्स बायस एंड दिस पार्ट इज फॉरवर्ड बायस, ये प्रॉपर ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए हमें करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जिस तरह से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखेंगे, सेम प्रिंसिपल इज फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो दिस इज़ द डायग्राम, ये डायग्राम हम देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि एमिटर बेस शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बैटरी जो हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर, कि दिस बैटरी इज कनेक्टेड सच ए वे कि ये जो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन, तो ये एमिटर बेस जो जंक्शन है हमारे पास, ये जो पार्ट है इसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो ये फॉरवर्ड बायस है बिकॉज पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टर्मिनल, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। नाउ दिस वन जो मैं ब्लू से मार्क करने वाला हूँ, ये बेस कलेक्टर बेस रीजन जो है, तो दिस रीजन शुड बी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव शुड इज कनेक्टेड टू पी एंड पॉजिटिव कनेक्टेड टू एन। सो दिस इज वॉट वी हैव। नाउ लेट अस सी वॉट हैपन्स वेन वी टर्न ऑन द पावर सप्लाई। तो वेन वी टर्न ऑन द पावर सप्लाई विद प्रॉपर वोल्टेजेस वॉट विल हैपन, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारे पास एमिटर बेस्ड जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में इफ़ वी एज्यूम दिस इज लाइक अ स्मॉल डायोड, ये अगर डायोड एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है फॉरवर्ड बायस से जो डेप्लीशन रेट एकदम कम हो जाएगा और एकदम कम खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे क्रॉस द जंक्शन एंड दे फॉल इन टू द पी रीजन। तो एमिटर से, ठीक है, एमिटर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस में जाएंगे। ओके नाउ बेस जो है, क्योंकि बेस की जो साइज़ है वो छोटी है और डोपिंग भी बहुत कम है, तो ओनली 5% जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स दे कंबाइन विद द होल्स इन द पी रीजन एंड दे मेक अप द बेस करंट, बस 5%। और क्या होगा, क्योंकि ये बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस है और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो बेस के अंदर है, बेस की साइज़ बहुत छोटी है, तो 95% इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने पास अट्रैक्ट करेगा जो कि वो एन में चले जाएंगे, ठीक है, एन में जाके दे मेक अप द कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो हमें करंट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक बार ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे फ्लो होंगे तो करंट उल्टा फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है हम लोगों को, दिस एरो शोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बताया गया है, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो लेट अस सी अगेन, बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस व्हाट विल हैपन, मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल क्रॉस द जंक्शन एंड गो इन टू द होल गो इन टू द बेस रीजन। तो जितने भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिटर से बेस में जाएंगे बिकॉज इट इज़ फॉरवर्ड बायस।
अब बेस की साइज बहुत ही छोटी है और डोपिंग भी बहुत कम है, तो सिर्फ 5% के करीब करीब इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स से कंबाइन होंगे बेस में, और बाकी 95% इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। ये पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से अट्रैक्ट होकर, तो 95% इलेक्ट्रॉन्स दे क्रॉस द जंक्शन एंड गो इन टू द कलेक्टर रीजन एंड दे मेकअप द एंड बिकॉज ऑफ विच वी गेट द कलेक्टर करंट। सो दिस इज द ट्रांजिस्टर एक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर इक्वेशन देखेंगे, करंट इक्वेशन देखेंगे, इफ वी राइट द करंट इक्वेशन, तो इन दिस केस वी कैन से एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो दिस इज द करंट इक्वेशन, वेदर इट इज पी एन पी या फिर एन पी एन, ये करंट इक्वेशन सबके लिए सेम इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशंस। तो ट्रांजिस्टर को हम तीन मोड में यूज़ कर सकते हैं। वन इज द सी बी मोड, इसको बोलेंगे कॉमन बेस मोड। ठीक है, कॉमन बेस, सी ई मतलब कॉमन एमिटर, और सी सी यानी कॉमन कलेक्टर मोड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन बेस, ये जो पहला है वो कॉमन बेस है। ठीक है, कॉमन बेस, तो सी बी मोड का मतलब ये होता है कि दिस पार्ट, सपोज दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट है, तो इनपुट इज अप्लाइड टू द एमिटर एंड और आउटपुट आपको कलेक्टर में मिल रहा है, और ये दोनों के बीच में बेस जो है ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो ये पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट, सो बेस इज कॉमन। यहाँ पे बेस कॉमन है, ये पार्ट और ये पार्ट के बीच में इनपुट और आउटपुट के बेस इज कॉमन, तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस। नाउ ये सेकेंड मोड में हम देखते हैं, ये कॉमन एमिटर मोड है। ठीक है, कॉमन एमिटर मोड। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमन एमिटर, बिकॉज ये एमिटर फिलहाल, दिस इज द एमिटर, और ये कॉमन है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बेस है, इफ वी आर अप्लाइंग इनपुट एट द बेस आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। ओके, मगर दोनों के बीच में कॉमन जो है वो एमिटर है, ये हम देखेंगे पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई दोनों के जो एक एंड एमिटर से कनेक्ट है, एक इस तरफ का बेस और एमिटर से कनेक्टेड है, और ये राइट साइड का जो है कलेक्टर और एमिटर से कनेक्ट, तो एमिटर इज कॉमन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर मोड। देन द थर्ड इज कॉमन कलेक्टर, सी सी मोड है ये। ऑफकोर्स सी सी मोड इसलिए है कि यहाँ पे हम देखते हैं कलेक्टर जो है ये कॉमन है बिटवीन बेस एंड एमिटर, यहाँ पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, हम अगर यहाँ पे आउटपुट मिलता है तो कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन द टू। तो ये तीन मोड है, तो दे आर यूज और ऑफकोर्स जो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट द मोस्ट जनरल कॉन्फिगरेशन इज द कॉमन एमिटर मोड। ये सी ई मोड सबसे जनरल कॉन्फिगरेशन है, तो हम इसे अभी डिटेल में स्टडी करेंगे सी ई मोड को, विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी ई मोड। नाउ बिफोर स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी ई मोड, विल सी सम कर, हम देखेंगे अभी करंट गेन्स। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट गेन्स। ओके, दो करंट गेन है, करंट गेन, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट गेन, एक है अल्फा करंट गेन। तो अल्फा करंट गेन इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट। तो हम बोलेंगे अल्फा जो करंट है, अल्फा कर कभी अल्फा, इसको डीसी भी लिखते हैं, अल्फा डीसी। तो अल्फा डीसी जो है डायरेक्ट, अल्फा डायरेक्ट करंट, अल्फा जो गेन है, इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट। देन वी हैव द बीटा गेन, तो बीटा डीसी जो है, ये सिंपल बीटा जो है, इट इज आई सी अपॉन आई बी। तो दिस आर दी टू करंट गेन्स। ये करंट गेन्स भी, ये पैरामीटर से कोई भी ट्रांजिस्टर हम लेते हैं तो इसके अंदर ये दो चीज़ें रहती हैं, अल्फा और बीटा गेन। अल्फा की जो वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन, ये हमेशा वन से कम रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं आई ई बड़ा है आई सी से, तो नेचुरल बात है जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा में छोटा ही मिलेगा, वन से कम मिलेगा। एंड आई सी इज लार्ज एंड आई बी जो है ना, अगर हम ये तीनों करंट को कंपेयर करेंगे आई सी आई बी और आई ई को, तो आई बी बहुत ही कम है, वो माइक्रो एम्पियर से मिलता है, बाकी ये दोनों मिली एम्पियर से मिलेंगे। तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ बीटा इन जनरल इज मोर देन 50। ठीक है, 200-300 भी हो सकता है, तो ये करेक्ट, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अभी इसी को हम जो है अल्फा ए सी भी हम लिख सकते हैं, तो बहुत मतलब अल्फा ए सी भी कैलकुलेट किया जाता है, तो अल्फा ए सी इज एक्चुअली डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ठीक है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन एमिटर करंट, एंड सेम वे
बीटा ए सी जो है इसी तरह से हम लिखेंगे डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट गेन्स, ओके। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा देखेंगे, ओके। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वेदर इट इज ए सी और बी डी सी दोनों का सेम ही रहेगा, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। नाउ वी नो दिस दैट आई ई जो आई ई है इट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। नाउ व्हाट वी डू वी डिवाइड ऑल द साइड्स बाय आई सी, हम आई सी से सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई सी अपॉन आई सी प्लस ये हो जाएगा आई बी अपॉन आई सी। नेक्स्ट दिस इसको हम ऐसा लिखेंगे वन अपॉन आई सी अपॉन आई ई, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, ये पार्ट को नीचे ले लिया यहाँ पर, और ये आई सी अपॉन आई सी इज वन प्लस इसको भी हम नीचे ऐसा लिख देंगे, इससे वी कैन राइट दिस आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा ये। नाउ वी नो दिस, हमें पता है कि आई सी अपॉन, अभी हमने देखा आई सी अपॉन आई इज अल्फा, इसलिए हमने ये फॉर्म में लिखा है इसको, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अल्फा इक्वल टू वन प्लस दिस इज बीटा, ये पार्ट जो है बीटा है, जैसे ये अल्फा था ये बीटा है, तो ये वन अपॉन बीटा हो जाएगा। नाउ वी कैन जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट इज, या इसको हम वन अपॉन अल्फा होगा तो ये जाएगा वन प्लस बीटा अपॉन बीटा, वी कैन जस्ट इन्वर्ट दिस, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा गेन। नाउ देर कैन बी अदर वे टू एक्सप्रेस द सेम रिलेशन, ये हमने बीटा अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, हम इसको दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे इसे हम, लाइक वी कम हियर, यही रिलेशन यही जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सटेंड करते हैं इसको दूसरे फॉर्म में बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम वन अपॉन बीटा, इफ़ आई राइट दिस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू एक तरफ लेके, तो हमें क्या मिलेगा वन अपॉन अल्फा माइनस वन, ओके। सो व्हाट वी गेट इज वन अपॉन बीटा इक्वल टू वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, सो दिस बीटा वुड बी इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये भी एक टाइप का रिलेशन है, अगर हमें अल्फा दिया है तो हम बीटा फाइंड कर सकते हैं, और बीटा दिया है तो अल्फा फाइंड कर सकते हैं। सो दिस आर द रिलेशन वी कैन राइट इन एनी वे, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। In the next lecture, we will continue with the characteristics of transistor as well as logic gates.